अपन तो भाजपा के कार्यकर्ता कैसे भी काम चला लेते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सवा साल पहले एक सरकार बनी थी, जनता से झूठे वादे करते, झूठे वचन देकर, अच्छा वो भी पूरे प्रदेश के कारण नहीं बनी थी। अगर बनी थी तो उसमें बड़ा योगदान था ग्वालियर चंबल संभाग का, बाकी जगह तो मामा ने पछाड़ ही दिया था कांग्रेस को। लेकिन वहां सीटें कम रह गई, कांग्रेस को ज्यादा मिली। कहानी ग्वालियर चंबल से शुरू हुई थी, धोखा तब भी दिया था कांग्रेस। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा बताया था कोई का, लड़की वालों को दिखाया कोई, बारात कोई और की निकाली, सहनाई किसी और के नाम पे बजी, घोड़ी पे कोई और बैठा, लेकिन मंडप पे पहुंचे तो फेरे किसी और के साथ फाड़ दिए। ज्योतिरादित्य जी को धोखा दिया, गद्दारी वहीं से शुरू हो गई। अब मुझे लगता था कि भैया मामा तू नहीं है, लेकिन ये है, एक बात और बताऊंगा, अगर मैं चाहता तो 2018 में सरकार बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास। 114 उनकी भी 109 वाली, उसमें तो 800 से ब्यावड़ा रह गई थी, किनारे पे जाके फंसी थी, और ब्यावड़ा जैसी गई थी कोई 130 से, कोई 220 से, लेकिन मामा को तकलीफ नहीं हुई। हम क्या, जनता का फैसला, वोट हमें ज्यादा मिले, सीट उन्हें ज्यादा मिल गई। निर्दलीय विधायक आ रहे थे रस्ते में, कह रहे थे शिवराज जी आपको समर्थन देंगे, लेकिन मैंने कहा कि भैया जब ब्यावरे में हार गए तो अब मुझे नहीं बनाना, कांग्रेस ही बना। थोड़ा दिल में कसक भी थी, भाई मुझसे हिसाब मांग रहे, 15 साल का हिसाब, दिग्गी राजा कमलनाथ, अरे मुझसे हिसाब मांगने वालों पहले खुद के गिरावे में झांक के तो देख लो रे। सुना यहां की जवाबदारी उनको ही दी है, मिस्टर बंटा ठाव, क्या हालत कर दी थी कमलनाथ तुम्हारी कांग्रेस ने, बच्चों को तो पता ही नहीं, उन्होंने तो मामा का राज देखा है। अरे बुजुर्गों आप तो पता होगा 2003 के पहले सड़कें थी कहां, आता ही पैसा नहीं, और बिजली कितनी आती थी, आती कम थी जाती ज्यादा थी। लोग नारे लगाते थे जब तक रहेंगे डिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, मुझसे सब मांग रहे हो, पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया था। मुझे लगा कि 15 साल मैंने राज चलाया, अब जान दो कांग्रेस को चला रहे, लेकिन सोचा ये था कि कुछ तो अच्छा करेंगे, 15 साल में लौट के आए, सेवा करेंगे, वादे निभाएंगे, वचन पूरे करेंगे। सवा साल में ये हालत हो गई, मैं जहां जाऊं लोग कह मामा मर गए रे, गिरा दे सरकार, गिरा दे सरकार। बोलो कहते थे कि नहीं कहते थे, तब मैंने मना किया निर्दलियों को, मैं नहीं बना, कांग्रेस बनाए। लेकिन पाप का घड़ा सवाई साल में भर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आज कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, जब तक विजय सिंह थे
कमलनाथ कह रहे थे मामा 15 साल का हिसाब दो। ए कमलनाथ, जब तुम्हारी और दिग्गी की सरकार थी, प्रदेश का बजट था 21,000 करोड़, मामा ने बढ़ा के कर दिया 2,00,000 करोड़ से ज्यादा। जब तुम्हारी सरकार की सकल घरेलू उत्पाद था 98,000 करोड़, मामा ने बढ़ा के कर दिया था 7,07,000 करोड़। जब तुम्हारी सरकार थी 2003 में दिग्गी राजा, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1500 रुपया थी, मामा ने बढ़ा के कर दी 80,000 रुपया। जब तुम थे तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढम था, गड्ढे थे कि गड्ढम गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। मामा ने 2,00,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना के तैयार कर दी। अरे ब्यावरा कोई आया होगा, 10 साल पहले तो आज ब्यावरा पहचान लेगा। अगर ब्यावरा को चारों तरफ हाईवे से जोड़ा तो कमलनाथ दिग्गी राजा आपने नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ा भारतीय जनता पार्टी। जब तुम थे एक बांध बनाया दिग्गी राजा, आप सब तो बनाया एक बांध, आज मोहनपुर कुंडा लिया सुधार लिया। अगर बन के तैयार हो रहे तो कमलनाथ दिग्गी राजा तुमने नहीं किए रे, शिवराज मामा ने किए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ए मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था थी केवल 7,00,000 हेक्टेयर में, मामा ने बढ़ा के कर दी 41,00,000 हेक्टेयर। और सुन लो राजगढ़ जिले वालों, सूखा था हमारा क्षेत्र, लेकिन आज जो बात होगी श्रृंखला बनाना हमने शुरू की है, राजगढ़ जिला पंजाब को मात करेगा उत्पादन में, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जवाब तो मतलब तुम्हें देना पड़ेगा, बिजली दो दो तीन तीन घंटे नहीं आती थी। मामा आया, मैंने कहा 24 घंटे पूरा, लोगों ने मजाक आया जैसे जैसे ज्यादा होगा, लेकिन आज गांव में 24 घंटे बिजली का चमत्कार किया है तो मामा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमसे हिसाब मांगते हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, कृषि का उत्पादन हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, तहसील, जिले, तुमने बनाए दिग्गी राजा। अरे जब जब जो जो मांगा, सुथालिया के लिए मांगा, चाहे राजगढ़ के लिए मांगा और चाहे ब्यावरा के लिए मांगा, शिवराज ने कभी कसर नहीं रखी। काम गिनाऊंगा तो दिन डूब जाएगा, रात हो जाएगी। आज ब्यावरा वालों, आपसे दिल पे हाथ रख के पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, मैंने जितने विकास के काम किए कभी कांग्रेस ने 50 साल में किए थे क्या? जोर से बताओ किए थे क्या? मुझसे हिसाब मांगते हो, क्या बहस करना चल रहा? प्रदेश को तबाह करने वालों, प्रदेश को प्रगति और तरक्की की राह पर लेकर तो हम ले गए, किसी कर्म ने आवाज हमने दिला गए। मेरे बहन और भाई इनने क्या किया 7 साल में, कोई बता दो दे, एक ईंट लगी क्या बताओ ब्यावरा में? जोर से बताना, कोई विकास का काम हुआ? कोई सड़क बनी? कोई बांध बना? जब भी कमलनाथ जी के पास जाए कांग्रेस के लोग और कहेंगे पैसा दे दो, तो कमलनाथ के पैसा है नहीं, मामा सब खजाना खाली कर गया। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा खाली कर गया, बहाने बनाते पैसा नहीं है। आज पैसा कहां से आ गया? नारायण सिंह जी मामा ने कसर रहने दिया और ना कसर रहने दूंगा। प्रदेश के बहनों और भाइयों, ग्वालियर वालों, चंबल वालों,
मालवा वालों, निवाड़ वालों, मालवासल वालों, बिंद वालों, सुन लो, वो बहाना बनाते थे कि पैसा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से भर कर कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अरे वो काय का मुख्यमंत्री जो रोज रोए के पैसे ही नहीं है, क्या करोगे ऐसे मुख्यमंत्री का बताओ? फिर तो कोई को बिठा दो भैया, धनु पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना टुन्नू डुबन्नू बैठ के जाइए, मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो जब भाड़ ढोकने के लिए मुख्यमंत्री बन जाए, रोना तो बड़ा आसान है, घर में बैठ कर कुछ नहीं, क्या करें। कमलनाथ जी नेता वो है जो संकट भी हो, कठिनाइयां हो, मुश्किल हो, तो उस मुश्किल में भी जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए वो नेता। और ये तड़प जब दिल में होती है अपनी जनता के लिए, तब चाहो की बार राह निकल जाती है। मैंने कोरोना काल में भी पैसे की कमी नहीं आ गई। कमलनाथ जी आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने कोरोना से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की? जब कोरोना फैल रहा था तब आप इंदौर में आईपा की मीटिंग कर रहे थे, सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस उनके साथ मीटिंग हो रही थी, फोटो खिंचाए जा रहे थे, जनता कोरोना में मर रही थी, आप बाली गुट के साथ बैठ के और उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। गैंग याद क्या धापे कोरोना के लिए, सारे विकास के काम ठप कर दिए, उद्योगों का गला दबा दबा के कोरोना वाली कंपनी को पैसा दिलवाया। मेरे बहनों और भाई को दुख है कहते हुए, जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों की मंडी कौन ने बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा कौन ने बनाया? जनता के लिए पैसा नहीं, किसानों के लिए पैसा नहीं, फसल बर्बाद हो गई, मर गए रो रो के, राहत दे दो, मुआवजा दे दो, क्या कभी कमलनाथ ले? और सुन लो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, मामा आ गया है, सर्वे करवा लिया है, तो राहत की पूरी राशि दूंगा, चिंता मत करना, चिंता मत करना। ये रात के पैसे दबा के बैठ गए, ये खुद पैसे बनाते रहे, कौन सी कंपनी, कौन सा ठेकेदार, किसको ठेका मिले, चक्कर में लगे रहे, 100 करोड़ के काम 200 करोड़ के ठेके हुए, प्रदेश तबाह हो रहा था, बर्बाद हो रहा, मेरी सब योजना बंद करते भाई और बहनों। भाई मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, क्या सरकार बदलने के साथ योजनाएं बंद करनी चाहिए? अरे करना चाहिए क्या बताओ? ये मामा जो लाड़ी लक्ष्मी बनाई, समाज के हर वर्ग के लिए बनाई, मेरी बेटी बोझ ना रहे, प्रधान बन जाए, लेकिन मेरी लाड़ी लक्ष्मी योजना कमलनाथ जी आपने ठंडे बस्ते में डाल दी। अभी पूछ रहे थे मैंने क्या पाप किया, अरे पाप ये किया कि 2 लाख का देके कर्जा माफ नहीं किया, रे सही बात है कि नहीं? अच्छा मर गए बेचारे रेगुलर वाले, तो अच्छे खासे दे रहे थे, आए राहुल भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में माफ, 11 बजे मुख्यमंत्री साहब लट्टू हो गए थे। चुनाव के बाद जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने, जनता के बीच एक जगह मैंने गा दिया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो किसान चिल्ला मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए। अब मामा तो टूटा फूटा दे रहा था,
आदि छोड़े को धावे आदि मेरे न पूरी पावे। रेगुलर डिफॉल्टर बन गए बेचारे। 0% की बजाय 18% ब्याज पे कर्जा। अब कर्जे की गठरी माथे पे रखी है, ब्याज की ब्याज। तो कई किसान कह रहे मामा क्या करें, ब्याज कमलनाथ रखवा गया। तो सुन लो मेरे किसान भाइयों, ये ब्याज की गठिया कमलनाथ रखवा के गया है, मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। मैं कैसे तुम्हें तड़पता हुआ देख लू। पाप उन्होंने किया है, प्रायश्चित मामा करेगा। मैंने क्या पाप किया बोले? अरे बहनों और भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, मैंने योजना बनाई है तुम्हारी, सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, पिछड़े वर्ग के, मेरे पिछड़े वर्ग की जितनी जातियां हो, हमारे एससी एसटी भाई बहन बेटा बेटी अल्पसंख्यक कोई नहीं छोड़ा। और तय मैंने ये किया कि अगर 12वीं में बढ़िया नंबर लेके आते और अपनी प्रतिभा के बल पर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, उच्च शिक्षण संस्थान कहीं भी होता है, तो किसान का गरीब का बेटा फीस नहीं भर सकता। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8 लाख रुपए साल फीस, बताओ गरीब का किसान का बेटा भर सकता है? मध्यम वर्ग भी भर सकता है? तो मैंने तय किया कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया साल से कम है, वो कोई भी हो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, थी कि नहीं? कमलनाथ जी कह रहे क्या पाप किया? पाप तुमने ये किया कि मेरे भांजे भांजों की फीस छीन ली, भरवाना बंद कर दी। ये पाप है कि नहीं बताओ? और भांजे भांजो, मामा आ गया रे, अब फिर से फीस भरवाना शुरू कर देगा। आई लव यू टू भांजे भांजो। और वो तरस जाए फीस भराने, मध्य प्रदेश की धरती पर ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। कमलनाथ पूछ रहे मैंने क्या पाप किया? अरे आई लव यू टू कह तो दिया मैंने। और मेरी बहनों, एक योजना मैंने बनाई गांव में, मैं देखता था मेरी गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करते, मजदूरी करने जाना पड़ता। हमने तय किया बेटा बेटी जन्म देगा तो 4000 रुपए जन्म के पहले और 12000 बाद में 16000 लड़ुआ खाने के लिए देंगे। कमलनाथ जी मेरे बहन के लड़ुआ छीन लिए तूने भैया, बताओ ये पाप था कि नहीं? अब वो लड़ुआ के 16000 फिर ये भैया मेरी बहना देना शुरू करेगा। चिंता मत करना, तुम्हारा भैया आ गया। कमलनाथ पूछे क्या पाप किया था? आपने पाप किया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मैं छोटी गृहस्थी का सामान देता था, आपने अकड़ के कहा मैं 51000 दूंगा। शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजे भी आ गए, कमलनाथ का ढेला नहीं आया 51000 का। आप बताओ ये पाप था कि नहीं था? क्या पाप किया है? अरे एक्सीडेंट में मौत पर मैं देता था 4 लाख। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, क्या अगर बहन का पति ना रहे, विधवा हो जाए, जिंदगी पहाड़ बन जाती है, उस गरीब बहना की जिंदगी आसान हो जाए, इसलिए 4 लाख। आपने संबल योजना के 4 लाख विधवा बहनों के हाथ से छीन लिए। कमलनाथ ये बात था कि नहीं था?
अरे अंतिम संस्कार के लिए, कफन दफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया देता था। दिद्दी तमन्ना, आप लोग गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गए, पूछते हो क्या पाप किया था? मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली। अब चिंता मत करना, श्रवण कुमार आ जाए बुजुर्गों, कोरोना खत्म होने दो, तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना। कितनी बातें मैं बताऊं, एक 5,000 बेरोजगार बताए भेजा नहीं दिया, अगर बताऊंगा तो टाइम और ज्यादा हो जाएगा। ये कमलनाथ जी, आपने किया, आपकी सरकार ने किया, गरीब को तबाह और बर्बाद कर दिया। और इसलिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा, जब कांग्रेस के पाप का, भ्रष्टाचार का गला भर गया तो डंडा लक्ष्य मार के 7.5 साल में सरकार गिरा दी। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? अब मेरे बहन और भाइयों, वो परेशान है, और परेशानी की हालत ये कि आजकल तो मुझे शुद्ध गालियां ही बच रहे हैं, शुद्ध गालियां। वो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान घुटना टेक है, भैया मेरी जनता के सामने लाख बार घुटना टेकूंगा, मेरे भगवान ही ये बैठे हैं, मेरी जनता, मेरी जनार्दन, उसकी सेवा सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा। वो कहते हैं शिवराज सिंह नारियल का ट्रक लेके चलता, चलूंगा, क्योंकि उद्घाटन शिलान्यास करूंगा तो नारियल तो फोड़ूंगा। तुमने कुछ किया ही नहीं तो नारियल कहां से फोड़ोगे? फिर कहते हैं नंगा भूखा है, मुझे फर्क नहीं हुआ, पटना में किसान का बेटा हूं। क्या किसान का बेटा होना अपराध है? क्या किसान होना अपराध है? क्या किसान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अरे भैया, ये बड़े उद्योगों वाले बड़े लोग ये मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री में तो हमारी ठेका है, ये काम किसान आके बैठ गया, हट ही नहीं रहा। 7.5 साल में फिर लौटा तो क्या गाली? फिर एक आए दिल्ली से, कहले कमीना है, कमीना। अरे कमीना कहो, नीच कहो, जो कहना है कह लो, लेकिन सुन लो, मध्य प्रदेश के विकास और प्राणों से सारी जनता के कल्याण से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मैं आपकी सेवा कर रहा। अब चलने वाले चला करें, हम क्या करें? होया कि नीति नीति परंपराएं भी जाए, आप बताइए, ऐसे बौखला रहे हैं कि हमारी मंत्री इमरती देवी जी को जो शब्द कहे, आप बताओ सम्मानजनक थे क्या? और कल और कह दिया कि जब मैं आइटम कहता हूं तो जनता ताली बजाती, चुनाव आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करता है। अरे लज्जा आना चाहिए कमलनाथ जी, लज्जा आना चाहिए। ये मां बहने गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है। बेटियों का अपमान ये हिंदुस्तान सहन नहीं करता। याद रखो, अगर रावण ने मैया सीता का अपमान किया था तो वंश सहित विनाश हो गया था। द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ था तो महाभारत में दुर्योधन दुशासन साफ हो गए थे। बहनों बेटियों का अपमान मत करो, ये मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी बहनों का। और आज मेरे कहने आए, मैं केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना, केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुझे सत्ता का सुख भोगना है। मामा तो 24 घंटे में से 20-20 घंटा काम करता है, जब मुख्यमंत्री नहीं था तो 1.5 किलो वजन बढ़ जाता, फिर से कम हो गया, उतना ही का उतना हो गया था। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए मामा मुख्यमंत्री है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिनों रात आपकी सेवा करूंगा, एक आत्मनिर्भर मधुप्रदेश बनाऊंगा। और सुनो रे किसान भाइयों, मैं आज कह रहा हूं आपसे,
एमएसपी के नीचे फसल नहीं बिकने देंगे किसी भी हालत में। और दिक्कत होगी तो प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हम करेंगे किसान के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, अभी किसान सम्मान निधि, कमलनाथ कह रहे थे पाप के लिए, पाप ये भी था कि मोदी जी ने सूची मांगी, नाम ही नहीं भेजे, लाखों किसान के नाम छोड़ दिए। मैंने 77 लाख नए नाम जोड़े, और जब नामों की सूची बना रहा था तो मेरे दिल में अचानक विचार आया कि मोदी जी 6000 दे रहे, मामा चौथी बार बन गया, सगुन क्या तू भी तो कुछ डाल। तो मैंने 6000 में 4000 और जोड़ के किसान सम्मान निधि कर दी, 10,000 रुपया हर साल। और ये तो अभी शुरू है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। करोना की कल की है, जरा और पैसा आ जाने दो, किसानों कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अरे कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे किसान भाइयों, आज अब ये बात आई, एक बात और कहना चाहता हूं, इधर उधर की सब्सिडी के नाम पर, अनुदान के नाम पर बहुत सा पैसा बर्बाद होता है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। अब मैं ये फैसला कर रहा हूं कि जितनी सब्सिडी आती है सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो और छुट्टी करो। बोलो ठीक है कि नहीं है? और फसल बीमा योजना की मुझे कई शिकायतें मिली है, कंपनी वाले काट छाट कर देते। अभी तो कंपनी वालों को पकड़ रहा हूं, छोड़ नहीं रहा ताकि न्याय दिला सकूं, लेकिन आगे जाके मैं तो सरकार की बीमा कंपनी बना दूंगा ताकि हम ही असिस्टेंट करें और हम ही पैसा दे। बताओ ठीक है कि नहीं है? और किसान भाइयों, डीपी बंद कर दी अनुदान की, ये पाप किया कि नहीं किया कमलनाथ जी? अब सुनो रे किसान भाइयों, अनुदान पे डीपी की योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। हम तो अपने किसानों के लिए है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम काम करेंगे, सिंचाई की पूरी व्यवस्था करेंगे और राहत की राशि में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक चीज और, खेत सड़क योजना बना के कई जगह किसान के खेतों को भी सड़कों से जोड़ेंगे। और गांव की संपत्ति जो है मकान की, उसके स्वामित्व देके मालिक बनाएंगे ताकि उस पर भी कर्जा मिल सके। और वर्षों से पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के भी छोटे छोटे किसान बेचारे 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, जमीन पे कब्जे हैं और पट्टा नहीं है, उन पिछड़े और सामान्य वर्ग के गरीबों के पास एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ जमीन है तो उसके पट्टे भी देंगे, उसके पट्टे भी देंगे। गरीबों के लिए मेरे बहनों और भाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई रोजगार का इंतजाम, रोटी 1 रुपया किलो, गेहूं चावल सब गरीबों को। सुन ले भैया नारायण जी, कोई रह गए हो एक एक गरीब का नाम जोड़ लेना भैया, और केवल नहीं पूरे राजगढ़ जिले में नेतृत्व बैठाए, हर गरीब के घर राशन जाएगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। हम कमलनाथ थोड़ी जो गरीब भूखा रह जाए, हम शिवराज सिंह है, मामा का राज है, राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया है, भर भर पेट। 3 साल में हमारी कोशिश होगी जिनकी कच्ची झुपड़ियां हैं उनके जगह बड़ा नहीं लेकिन छोटा पक्का मकान बन जाए। और राजगढ़ की मेरी बहनों, ब्यावरा वालों, सुथालिया वालों, पाइप लाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा, टोंटी खोलो तो झरझर पानी आए और झरा भर भर जाए, और मेरी बेटी को पानी भरने हैंडपंप में ना जाना पड़े। बोलो ठीक है कि नहीं? और केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश में कर उन्हें प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों की पढ़ाई के मैंने कह दिया,
कोई गरीब किसी जाति का हो, पढ़ाई में बाधा नहीं आने दूंगा। और एक बात और, सबको जितने गरीब हैं, सुन लो मध्य प्रदेश वालों, जितने गरीब हैं गंभीर बीमारियों में फ्री में इलाज करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में और जो सुधार करना करके हमारा बजट मिला के हम लागू करेंगे। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए मामा मुख्यमंत्री बनाए। मेरी बहनों, जन्म लेने से लेके नारी रखनी फिर पूरी ताकत से शुरू, बेटियों को साइकिलें, यूनिफॉर्म, गांव की बेटी योजना, कन्यादान योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों सुन लेना, स्वयं सहायता समूह वाली 1400 करोड़ रुपया इसी साल दूंगा, इसी साल स्व सहायता समूहों को सशक्तिकरण के लिए, ताकि उनके काम धंधे चल सके। लड़ुआ का पैसे की मैंने बात कही है। मेरी बहनों, पैदा होने से लेके और अंतिम सांस लेने तक तुम्हारे भाई की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, माँ बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी। कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि मेरी बहनों की जिंदगी आसान बने। और उद्योग अगर कोई बहन लगाएगी तो उसको अलग से सब्सिडी दूंगा। नौजवानों, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती से मैंने प्रतिबंध हटा दिया है। पुलिस की भर्ती चालू हो रही है, बाकी विभागों की निकल रही है। सरकारी नौकरियां भी दूंगा और राजगढ़ जिला भी और कैसे उद्योग आ सकते हैं इसका इंतजाम करेंगे। और जिस जिले में उद्योग लगेगा 75% रोजगार भाई के बच्चों को मिले, इसका इंतजाम किया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। वैसे ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और केवल इतने ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये जितने गुंडे हैं, माफिया है, आतंक फैलाने वाले हैं, उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा, पीस के रख देंगे। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज होगा, कोई खुल के नहीं खेल पाएगा। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का राज, गड़बड़ करने वाले कोई भी हो उनको शिवराज नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। और मेरे व्यापारी भाइयों, व्यापार उन्नयन बोर्ड बना रहा, व्यापार उन्नयन बोर्ड बना रहा, ताकि व्यापार के रास्ते की सारी बाधा दूर कर दे। अभी मंडी टैक्स हमने कम किया है, चुनाव के आयोग के कारण अनुमति के लिए भेजा है। मंडी वाले व्यापारियों, चिंता मत करना, या तो अनुमति मिलेगी और नहीं मिलेगी तो 3 तारीख के बाद अपने आप में जाएगी। महामंडल फिर आचार संहिता तोड़ी जाएगी। ये मंडी टैक्स भी कम करूंगा, व्यापार को आसान बनाऊंगा, व्यापारियों की दिक्कत दूर करूंगा। और छोटे छोटे व्यापारी सुन लो रे, हाथ ठेला में सब्जी भाजी बेचने वालों, फल बेचने वालों, कचौड़ी समय से बेचने वालों, चाट की दुकान वालों, पान के ठेले वालों, बूट पॉलिश करने वालों, हजामत बनाने वालों, लकड़ी काटने वालों, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुतार, हमारे गरीब कबाड़ बीनने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, फुटपाथ पर रख के सामान बेचने वाले, गांव गांव में सिर पे गठरी या गाड़ी में लेके सामान बेचने वालों, स्ट्रीट वेंडर योजना प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने बनाई है। अभी 2 लाख लोगों को 10,000 रुपया हम व्यवसाय के लिए बिना ब्याज का दे चुके हैं। गारंटी मामा ने ली है, सरकार ने ली है। जितने सेल्स बचे हैं, चाहे वो शहर में हो और चाहे वो गांव में हो, गांव में भी बाजारों के सेंटर पे, फुटपाथ पे व्यापार करने वाले मेरे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे किराने के दुकानों वालों, सबको 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिलेगा, जिसकी गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। योजना चालू हो गई है, ताकि कोरोना ने जो तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दिया, तुम्हारा व्यापार की गाड़ी पटरी पे आ जाए। कोई वर्ग नहीं छोड़ूंगा बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट आए,
तो मामा की जिंदगी सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मुझे मध्यप्रदेश बदलना है। मेरे बहन और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश खड़ा करना है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेस जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी हो गई, मोदी जी ने शिलान्यास भी कर दिया। धारा 370 समाप्त हो गई, लेकिन ये कांग्रेस फिर से धारा 370 कश्मीर में लगाने के पक्ष में। और सुनो रे भाइयों बहनों, मोदी जी के रहते हुए एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। पहले पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज चीन ने भी अगर आग उठाने की जरूरत की तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दी। ये आज का मोदी का भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक संपन्न भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और वैसे भारत के निर्माण के लिए मैं बनाना चाहता हूँ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मेरे बहनों और भाइयों। और आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस है 1 नवंबर। मध्य प्रदेश वासियों में आपको बधाई देता हूँ। आज कार्यक्रम नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता थी, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा उसमें हम सबका सहयोग चाहिए। जहाँ सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है बहनों और भाइयों। इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। आप बताओ मामा को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि नहीं? इधर वाले भी बताओ रहना चाहिए कि नहीं? अगर एक बात और बताओ मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ इधर जात पात पर नहीं, किसी और बात पर नहीं, केवल विकास के लिए मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए आपका वोट कमल के फूल की बटन दबा के नारायण पवार जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये मेरी अपील है। और नारायण सिंह जी का, नारायण सिंह जी को कमल के फूल की बटन दबा के आप वोट दोगे तो सीएम के लिए आपका वोट शिवराज सिंह चौहान को मिल जाएगा। बोला सब कमल के फूल की बटन दबाएंगे, कोरोना से डर के घर में तो नहीं बैठेंगे, वोट डालने जाएंगे। मेरे सभी 28 विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों आओ मेरे साथ संकल्प लो कि कमल के फूल की बटन दबा के भाजपा को जिताते, मामा को स्थिर और ताकतवर मुख्यमंत्री बनाएंगे, परमानेंट करेंगे। तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं पीछे तक बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीऊंगा तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।